नमस्कार फ्रेंड, मैं आज आपको इलेक्ट्रिक बिल कैसे ऑनलाइन भरते हैं इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा। और इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन कैसे भरते हैं, आप पिछले 2-3 महीने से अपना बिल कितना आ गया है, आप वो खुद डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास लेट आ जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अपने घर में दिन से डेट निकल जाने के बाद वो घर में पहुंचती है, ऐसा कुछ इश्यू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन बिल कैसे भर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, ऑनलाइन बिल कैसे भर ले। ये मेरा बिल है जो कि आपको आता है, उसी प्रकार मैंने ये PDF डाउनलोड कर दी है, आपकी जैसा ही ये है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बिलिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिलिंग यूनिट है, इस पे ये ऑनलाइन में ये जरूर रहता है। और कस्टमर आईडी जो नंबर रहता है, कस्टमर नंबर, ये आपको, ये दोनों से आप बिल भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सभी मेरा बिल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ये बिल है। तो चलिए मेरे फ्रेंड, आप कर लेते हैं बिल चेक या भरते हैं आप। तो सबसे पहले जाएंगे, ये जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भर सकते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे, डालेंगे आप कस्टमर आईडी डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपना जो यूनिट है बिलिंग यूनिट, वो ये करने का, अपने को सेलेक्ट करने का है, उसके बाद में ऑनलाइन भर सकते हैं। तो चलिए डालते हैं। ये मैंने डाला मेरा कस्टमर आईडी, आप बिलिंग यूनिट चेक करेंगे, बिलिंग यूनिट चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सभी। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल बोर्ड का मैं बिल आपको भर के दिखा रहा हूँ ऑनलाइन। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, महावितरण का ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है, थोड़ा दिक्कत आती है। ये है मेरा, तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबमिट है। और सबमिट आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे करंट बिल जो है, वो यूनिट कितने गए हैं, कितने बिल आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट या हिस्ट्री, इस पे क्लिक करने का है। तो मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, हिस्ट्री के बात बताऊंगा, वो बाद में हम बिल भरेंगे। ये देखिए ये हिस्ट्री, आपने पूरी हिस्ट्री है, ये मंथ है, मंथ के हिसाब से ये यूनिट है, हमारे यूनिट कितने गए हैं उसके हिसाब से है। ये लाइव है, स्टेटस लाइव है, देख सकते हैं बिल, ये बिल है बिल के हिसाब से, और ये पेंडिंग है। और ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF फाइल अपन डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मंथ की हो। तो उसके बाद बैक आते हैं और पेमेंट मेकिंग पेमेंट के क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं करता हूँ। तो ये मेरा कस्टमर आईडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम है, और ये RTC चेक करने का हर बार बिल भरते समय। और ये कस्टमर आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चेक करने का, ये चेक करने का, बिल यूनिट चेक करने का, मंथ चेक करने का यूनिट, और ये आप
13 अक्टूबर लाइव तारीख है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे आने के बाद आपको है एग्री एंड ऑनलाइन पेमेंट क्लिक करने का, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए अमाउंट है, पे अमाउंट, और यहाँ पे नंबर डालने का, अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालने का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालने, आपको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, आप वही भी वो रख सकते हैं, या प्रिंट भी, इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सब कुछ है इसमें, और यहाँ पे जो है पे नाउ पे क्लिक करने का, मैं करता हूँ पे नाउ पे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ऐसा मैसेज आ जाएगा, आप उसे पे कर दीजिए। आपको ये बिलिंग, इनकी बिलिंग उसके वेबसाइट पे क्लिक करके लेके जाएगा वो, और यहाँ पे ऑप्शन चूज करने के, आपको इसमें नेट बैंकिंग है, इसमें क्रेडिट कार्ड है, इसमें डेबिट कार्ड है, इसमें मोबाइल वैलेट भी, वैलेट भी है, कैश कार्ड है, आप कौन सा भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं तो नेट बैंकिंग है मेरे पास, मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको इतने सारे बैंक आते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है आप उसे चेक कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब कुछ है इसमें, अभी देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट सभी है। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं उनमें से एक चूज करता हूँ, कर सकते हैं। तो ये मेरा स्टेटस, मैंने जो बिल भरा है उसकी स्लिप आ गई है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट है। कुछ देर मैंने वो डिसेबल किया था मेरा, जो कि वो कट कर दिया था, कुछ बैंकिंग वजह से है, इसलिए मैंने वो कुछ जो बैंकिंग की प्रोसीजर है, नेट बैंकिंग की, मैंने वो थोड़ी सी डिसेबल कर दी थी। मैंने खाली अपने लॉगिंग होने के बाद जब सक्सेसफुली हो जाता है तभी मैं कर, सिक्योरिटी की वजह से मैंने ऐसा किया है, सिक्योरिटी की वजह से किया है बैंकिंग में, मैं कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको। उसके बाद कुछ नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग में मैंने तो आपको बताया लॉगिन करने का, फिर ये पेज जो कि आप महावितरण का पेज है वो सबमिट करने के बाद बैंक चूज करने का, उसी बैंक के पेज पे आपको लेके जाएगा, फिर आपके यहाँ यूजर नेम, नेट बैंकिंग का बता रहा हूँ, यूजर नेम पासवर्ड डालने का, फिर सबमिट में क्लिक करने का, लॉगिन करने का, फिर वो आपको डायरेक्ट उसी पेज पे लेके जाएगा, वो सबको आपको जानकारी डिटेल्स देगा, फिर आपको कंफर्म करने का, कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी कंफर्म सेंड करने के बाद कंफर्म करने का, फिर बाद में ऐसा वो बैक पे स्पेज अपने जो महावितरण का है उस पे लेके आता है। तो ऐसी प्रोसीजर है जो मैंने वो डिसेबल करके रखी थी बैंक की सिक्योरिटी की वजह से। तो चलिए आपने आज सीखा कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे भर लेते हैं, इसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और इसमें आपको एसएमएस भी आ जाएगा जो कि आपके मोबाइल पे दिया, वो प्रिंट आउट निकालने की एसएमएस आपको रख देगा जैसा है वैसा। तो